you are

वीडियो है आपके फॉर्मेट क्या होता है लेकिन थ्री टू फोर टाइम्स आप प्रैक्टिस करो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि ये मैम वी विल डू इट एंड इट्स ईजी फॉर अस इंग्लिश से अब डर नहीं लगता है लेट्स क्विकली स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में

रखे तो ये भी एक नोटिस का ही फॉर्मेट होता है ओके? Okay? तो ये लेटेस्ट एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया Purpose क्या है? नोटिस टू डिलीवर अ सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल बहुत सारे लोगों को एक साथ में जब इंफॉर्मेशन देनी है तो नोटिस राइटिंग किया जाता है ये तो बात हो गई क्लियर अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट की तरफ ये फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया बस यही तो फॉर्मेट है फॉर्मेट क्या है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करना है सबसे पहले उसे अंडरलाइन करना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि आपको नोटिस लिखना है आपके स्कूल से रिलेटेड है कि आपके स्कूल में बास्केटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है तो आपका स्कूल जो है स्कूल का पूरा नाम यहाँ पे आएगा और वो अंडरलाइन हो आएगा ये है दूसरा क्या है नोटिस इन द कैपिटल लेटर सबसे पहली बात मैंने क्या बताई सबसे पहला ये जो गेम चल रहा है 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 ना ना कि चेंज हो गया पे ऐसे भी कर सकते हैं ऊपर नीचे ये सब ना, रिस्क कहीं लेना ही नहीं है तुम्हें अगर सीबीएसई की तरफ से कोई भी न्यू नॉर्म्स आएंगे तो डेफिनेटली आई द फर्स्ट वन जो आपको बताएगी सो so, थोड़ा सा रिलाय कर लो हम अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस लेकर हैं तो आपके लिए फायदे की और आप को अगर कोई न्यूज आ रही है कितनी फेक है कितनी नहीं है तो हम उसका इंतजार करके फिर आपके पास में वो बोलते हैं ना सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपको बात कही जाएगी तो वही चीज है कि ये ये फॉर्मेट 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 एकदम सही है नया फौर्मैट, पुराना फौर्मैट ये, वो कुछ भी मत सोचो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिख लिया उसके बाद में आपने अंडरलाइन करना है मैंने जहां जहां अंडरलाइन किया है मतलब वहां पर आपको भी अंडरलाइन करना है उसके बाद में आपने नोटिस को कैपिटल लेटर्स में लिखना है जब आपने नोटिस को कैपिटल लेटर्स में लिखा है उसे उसके बाद में आपने क्या करना है अंडरलाइन किया फिर आपने यहाँ पे डेट लिखनी है अब डेट के लिए भी मैं सबसे सही तरीका बता देती हूँ फॉर्मेट डेट को लिखने के बहुत सारे अलग अलग है बट आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप कभी भी जैसे हम ये लिख देते हैं डी डी एम एम एंड वाई वाई आप ना ये स्लैश वाले तरीके तो अपना हो ही नहीं डोंट गो फॉर दिस डोंट गो फॉर दिस सिंपल जो तरीका होता है वो लिखो ओके okay? आजकल डेट फॉर्मेट में भी कॉमा को रिमूव कर दिया गया है वो so जो भी डेट है, है तो okay? यहाँ पे लिखना है डोन्ट गो फॉर शॉर्ट फॉर्म डो गो फॉर एब्रीविएशन एब्रीविएशन लगाओगे तो फिर कॉमा लगाओगे नहीं लगाए तो कट गए नंबर एक्स्ट्रा लगा दिया तो कट गए नंबर तो क्यों एक एक एकदम बोला लाइफ को इजी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इजी करो इजीएस्ट वे कर लिया हमने यहां पे फर्स्ट में एस टी वेस्टी मत लगाना कुछ नहीं मैं क्या कह रही हूं एकदम इजीएस्ट वे में चले जाना आप यहाँ डेट इधर आएगी दैट मीन्स नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नोटिस एकदम सेंटर में आएगा वो भी कैपिटल लेटर्स में आएगा फिर डेट आएगी आपकी और डेट किधर आएगी एकदम लेफ्ट मार्जिन में फिर वापस टाइटल कहाँ आएगा सेंटर में आएगा अब टाइटल आप चाहे तो इसको पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं अगर बड़ा टाइटल होता है तो पूरा कैपिटल में वो अच्छा नहीं लगता है still, अगर, uh, क्योंकि ये 50 वर्ड्स जो 50 uh, होता है जो होते है उतनी ही लिमिट होती है इसकी तो यहां पे आपका डेफिनेटली मैं क्या कहूँगी कि छोटा होना चाहिए टाइटल ऐसा नहीं कि कोई आगे बॉडी पढ़े नहीं तुम्हारे टाइटल से ही समझ जाए पूरा कि तुम क्या 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 क्या, क्या कहना चाह रहे हो तो ये टाइटल बहुत छोटा होना चाहिए क्रिस्पी होना चाहिए एंड साथ ही साथ में करेंगे हम इसे अंडरलाइन करेंगे फिर आता है बॉडी का पार्ट अब देखो जो बॉडी का पार्ट है ना उसमें कुछ लाइंस तो आप रटा रटाए चले जाओ क्या है दिस इज टू इनफॉर्म यू ऑल सबको पता होगा है नहीं तो मैं यहां लिख देती हूं क्या कहते हैं दिस इज टू यहां ही कर देती हूं थोड़ा सा दिस इज टू इनफॉर्म यू ऑल फिर आपने आगे लिख दिया ठीक है ये एकदम बेसिक तरीका है जिनको लग रहा है कि हमारे लिए इंग्लिश टफ है और ये आ, हम भूल सकते हैं एग्जाम में क्योंकि बहुत सारी चीजें आएंगी वहां पे ग्रामर आएगा राइटिंग सेक्शन आएगा क्वेश्चन आएंगे सब चीजें होंगी लिटरेचर पार्ट आएगा तो आप इसके साथ में जा सकते हैं बट इफ यू थिंक कि नहीं हम ना अलग से कुछ अट्रैक्टिव लिखना चाहते हैं बी अवेयर की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज अगर आप अट्रैक्टिव वे की तरफ जाएंगे तब आप क्या कर सकते हो आप उसको मगप करोगे और मगप की भी चीजें ज्यादातर याद रहती नहीं है तो आप प्रैक्टिस करो उसके लिए कि आपने किसके लिए क्या कर लिखना है ओके सो बट दिस इज द बेस्ट वे टू टेल एवरी फिर आप इसमें बॉडी में क्या पार्ट एड करोगे सो आई एम राइटिंग इट हियर बॉडी में एक तो आपको हमेशा तीन चीजों का ध्यान रखना है इफ यू आर टेलिंग अबाउट इन इवेंट अगर आप किसी इवेंट के बारे में बता रहे हो तो आपके पास में यहाँ पे जरूर से टाइम होना चाहिए कब होगा डेट एंड वेन्यू ओके okay? जब हम ये तीनों चीजें स्पेसिफाई कर देंगे दैट मीनस कि आपने पूरा डिटेलिंग दे दिया है ये शॉर्ट होना चाहिए मैं फिर बता रही हूं नॉट सो लेंथी पार्ट इट इज इसमें आप जितना ही कंप्राइज करके यहाँ पे बता सकते हो जितनी डिटेल्स देनी है नेसेसरी डिटेल्स है वो यहां पे दोगे ओके बॉडी पार्ट हो गया देन आया नेम एंड डेजिग्नेशन अब नेम लिख दिया नेम मतलब कि किसने अगर आप हेड बॉय है तो आप अपना नाम लिखेंगे डेजिग्नेशन मतलब क्या होता है डेजिग्नेशन मतलब पद आपने पद में लिख दिया हेड बॉय अगर एज अ

बनाते हैं वेरी फर्स्ट यू मेक अ बॉक्स क्योंकि आपको आज तक बताया जाता है नोटिस हमेशा बॉक्स में होता है बॉक्स में होता है पहले बॉक्स बना दिया अब बॉक्स बनाने के बाद में क्या होता है कि हम लिखने जाते हैं तो या तो वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है या बहुत छोटा हो जाता है बॉक्स फिर हम उसको काट छाट करते हैं क्यों आप पहले ही ये सारा कॉन्टेंट अच्छे से लिखो फिर लास्टली विद अ पेन पेंसिल और रूलर हेल्प ऑफ रूलर ये तुम ना ऐसे एक तो बॉक्स को भी क्या करेंगे अब <coughs> मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही लड़कियां हैं या लड़के हैं वो ना या तो ऐसे 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 करेंगे आई भाई तू कहाँ चला जा रहा है अच्छा मैंने सेलेक्ट है ये 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 ऐसे 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 ऐसे, ऐसे नहीं बनाना है तुम्हें वहाँ पे डिजाइनिंग नहीं करनी है ये एकदम ऑफिशियल तरीका होता है प्रोफेशनल बन जाओ थोड़े थोड़े से तो ऑफिशियल तरीकों में ये ना इस तरीके की चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि तुमने यहाँ पे भी कर दिया या फिर किसी ने बना दिया इतना छोटा सा अब उनकी लाइन्स यहाँ पर जा रही हैं फिर वो क्या करेंगे यहाँ बनाएंगे इसे कट करेंगे ऐसे ऐसे ये सारी गड़बड़े नहीं करनी है कुछ छोटा बच्चा नहीं है ना छोटे बच्चे हो क्या लाइक दैट ये सारी चीज़ें बहुत रॉन्ग इम्पैक्ट डालती है और आपके नंबर्स कट करती है सो फॉर दैट सबसे पहले आप ये पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद में आप क्या करेंगे हाय रब्बा यू आर गोइंग टू मेक लाइक like दिस आपने इस तरीके से ये पूरा का पूरा बॉक्स में डालना है। जब आपने बॉक्स में इसे डाल दिया ना उसके बाद में अब आप इसे रीड भी कर लो एक बार प्रूफ रीड कर लो कि सारी चीजें सारे क्वेश्चन में दिया पार्ट है वो हमने यहाँ पे डिलीवर किया है कि नहीं किया है बिकॉज नोटिस का मतलब ही ये है ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिलीवर्ड हियर ओके बेसिक चीज है फिर से बता रही हूं एक बार आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही टॉप में आएगा कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे आएगा उसके बाद में अंडरलाइन करेंगे उसको उसके बाद में नोटिस आएगा ठीक है अब कुछ लोग बोलते हैं यहां पे लाइन छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है मैम शुड बी ड्रॉप अ लाइन और नॉट सो देखो ड्रॉपिंग अ लाइन मीन्स कि आप उसको नीट एंड टाइडी वे में वहां पर वो लाइन काउंट करने नहीं बैठेंगे कि इसने दो लाइन ड्रॉप किए इसने एक लाइन ड्रॉप किया एक्चुअली इट इज टू प्रेजेंट योर आंसर इन So, uh, अच्छा बट आपकी ऑलरेडी राइटिंग कहा जाएगी लेफ्ट मार्जिन में, में जाएगी डेट के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म को ले लो आप सेफ खेलो डेट के लिए है ना उसके बाद में टाइटल आएगा टाइटल फिर से कहा आएगा सेंटर में आएगा कैपिटल लेटर में आएगा अंडरलाइन होगा फिर बॉडी आएगी बॉडी विल गो अगेन एट द लेफ्ट मार्जिन फिर सब लेफ्ट मार्जिन में आते हुए यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा एंड लास्टली बनाओगे सबसे लास्ट में बनाओगे बॉक्स ओके okay? जल्दबाजी नहीं करनी है बॉक्स बनाने में क्यों? हमने तो पहले बॉक्स बना दिया अभी कुछ रूल्स ध्यान रखना ये सारी चीजें तो मैंने फॉर्मेट से बता दी तुम्हें कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है ना पॉइंट्स टू रिमेंबर में पॉइंट्स कौन से आएंगे कि भाई तुम क्या क्या बातें याद रखोगे सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया द वेरी फर्स्ट रूल आपको नोटिस वाला पार्ट जो है उसे कैपिटल में लिखना है कैपिटल में लिखने के बाद में अंडरलाइन द वेरी फर्स्ट सेकेंड पॉइंट वर्ड लिमिट का ऑलवेज ध्यान रखें व्हाट इज द वर्ड लिमिट लिमिट गिवन टू यू वर्ड लिमिट क्या दी गई है और वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए उसे आपको प्रेजेंट करना है योर आंसर शुड बी प्रेजेंटेबल आपको कुछ अच्छे वर्ड्स को यूज लेते हुए इस वर्ड लिमिट में ही सब कुछ डिलीवर करना है नाउ थर्ड बताओ फटाफट फड़ से इफ यू नो कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे जल्दी से इफ यू नो दैट थर्ड सेक्शन में क्या आएगा जल्दी से मुझे बताओ क्या आ सकता है आपका अप्रोप्रिएट हेडिंग डिंग इसकी यानी कि अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए टाइटल ही सबसे पहले क्या करेगा आपका टेंशन गेन करेगा जो भी रीड करेगा वो टाइटल को ही रीड करेगा एक तो ऑर्गेनाइजेशन को रीड करेगा एक नोटिस दिख ही रहा है उसको और फिर टाइटल कि क्या कहना चाह रहा है क्या वो उनके लिए है या उन्हें नहीं पता है तो वो मूव ऑन कर जाएंगे आगे तो अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए अप्रोप्रिएट मैंने पूरा नहीं लिखा है दो यहाँ पे पर आप समझ गए हैं अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए देन सारी रिलेवेंट डिटेल्स होनी चाहिए और उसमें डिटेल की बात करती हूं मैं अगेन आई टेल यू अबाउट थ्री थिंग्स ये तो चीजें ऐड करनी है इफ स्पेसिफाइड कौन कौन सी डिटेल्स हो गई है डेट आना चाहिए टाइम आना चाहिए एंड वेन्यू ओके ये किसी में भी आ सकता है लॉस्ट फाउंड में भी आ सकता है कि किस दिन कोई चीज कितने बजे आपको मिली कहां पे मिली आपका कोई स्कूल uh, का टूर्नामेंट है कुछ भी है तो डेट टाइम और वेन्यू तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंक्लूड करके आपका आंसर बॉडी पार्ट कंप्लीट कर देता है ओके मूविंग अहेड नेक्स्ट पॉइंट क्या आ सकता है आपके पास में लास्टली <clears throat> आपको क्या करना है पर्पस ऑफ द नोटिस बताना है क्लियरली क्या करना है पर्पस ऑफ द नोटिस यू हैव टू शो पर्पस ऑफ द नोटिस एंड पर्पस के साथ साथ में आप किस ग्रुप को स्पेसिफाई करना चाहते हैं किसे मेंशन करना चाहते हैं तो पर्पस क्या है उसे लिखने का लास्टली यहाँ पे मैं बता देती हूँ सिक्स पॉइंट एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट नेम एंड डेजिग्नेशन ओके नेम एंड डेजिग्नेशन को नहीं भूलना है क्योंकि यही तो भाई कोई भी लिख देगा कुछ भी लिख के चला जाएगा तो हर कोई मानेंगे थोड़ी ना एंड नेक्स्ट इज पुट इन अ बॉक्स ऑलवेज पुट इन अ बॉक्स ऑलवेज पुट इन अ बॉक्स ओके हमेशा लास्ट में जाके इसे बॉक्स में डालना अब आ जाते हैं हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चन कैसे करना एग्जाम्पल्स भी तो देने जरूरी है स्टूडेंट्स वट यू डू इज यू जस्ट गो थ्रू द फॉर्मेट। एग्जाम से एक दिन पहले तुम क्या करते हो फॉर्मेट देख लेते हो और सोचते हो हम एग्जाम में कर आएंगे नहीं होता है इतना ईजी नहीं होता है सालों से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अबाउट राइटिंग ऑल दीज थिंग्स और गेनिंग गुड मार्क्स तो उनसे टक्कर एक दिन पहले कर लोगे क्या तुम मुश्किल है सो हर हिट इज द एग्जाम्पल देखो तो आपको बता दिया यू आर अनु और अनूप आप कुछ भी मतलब अकॉर्डिंग टू यू आपने ले लिया कि मैं अनु हूं या अनूप हूं आप क्या है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ विवेकानंद पब्लिक स्कूल नोएडा नोएडा में एक स्कूल का नाम दे दिया दैट मीनस यू गॉट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये आपका स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया आपकी स्कूल ने डिसाइड किया है और स्कूल हैज डिसाइडेड टू होस्ट द रीजनल लेवल बास्केटबॉल टूर्नामेंट आपकी स्कूल ने क्या डिसाइड किया है किस बास्केटबॉल टूर्नामेंट होस्ट करेंगे दैट मीनस यू गॉट द पर्पज एज वेल कि मुझे इसमें किसके बारे में लिखना है तो ये हो गया हमारा पर्पज आपको नोटिस ड्राफ्ट करना है फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड

काम है विवेकानंद पब्लिक स्कूल नोएडा हो गया अंडरलाइन कर देंगे नोटिस है इसको नोटिस को कैपिटल में लिखेंगे हम और इसको क्या कर दिया अंडरलाइन कर दिया डेट यहाँ पे आ गई क्योंकि ये आ, मतलब पहले की डेट्स है सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे ये कॉमा यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ और ये

regional level basketball from the question only you are getting all the informations what you have to deliver here okay so regional level basketball tournament is being hosted by the school from 1st september to 4th september from 10 am to 2 pm that means you have given टाइम एंड डेट दोनों बता दिया आपने तो मेरे पास में यहां पे डेट आ गया कि ये बास्केटबॉल टूर्नामेंट कब से हो कब तक होगा एंड यहां पे आपके पास में आ गया दैट टाइम दैट व्हाट इज द टाइम ओके मूविंग अहेड ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम एंड एनकरेज द पार्टिसिपेंट्स बाय चेयरिंग बाय चेयरिंग द टीम्स फॉर मोर इंफॉर्मेशन कंटेक्ट ऑन द साइन अनु देशमुख स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो गया बस लास्टली लास्टली क्या करना है बॉक्स में डाल दो

गाना है आस्किंग द ओनर टू आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट इट फ्रॉम यू और अब ओनर को बोलना है मतलब जो भी उसका ओनर होगा भाई तुम आओ लेके चले जाओ एंड आपका नाम भी दे दिया अमर और अमृता तो जो नाम दिया है वही लिखना है If by chance you are not getting the name here, अगर by chance आपको नाम नहीं दिया है दो हमेशा आता है but if it is not given then you will write XYZ. Okay? Okay? आपके कुछ भी यहां पे सारे स्टूडेंट्स नाम मुझे पता है, say, मैं, ये ऐसा नहीं होता है, है. Okay? ये है. मैं आपको ग्रामर में बताऊंगी डेफिनेटली कि क्यों कब कहां कैसे लगती है और आ, को दिखाने के लिए भी लगती है कैसे कहां यूज होता है अभी नहीं ये हो गया आपका अंडरलाइन कर दिया नोटिस लिख दिया अंडरलाइन कर दिया ब्लॉक में है बिल्कुल है फिर आपने पे लिख दिया

आई एल गो थ्रू यभी बाद में जाऊंगी जब आपका ये लाइव हो जाएगा उसके बाद में आई एल गो थ्रू योर कमेंट सेक्शन एंड विल गेट टू नो कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है इफ़ यू हैव एनी अदर कंसर्स एंड क्वेरीज एंड डाउट्स यू कैन आस्क दैट एज वेल इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट जब भी आऊंगी डेफिनेटली आपके क्वेश्चन के आंसर्स लेकर के आऊंगी थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग योर लव थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस सेशन एंड आई होप ये रिश्ता हमारा नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेज में भी रहेगा सो डो लाइक इट डेफिनेटली बाय Bye.